हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम बेटा अपन ने कॉमन नेम सिस्टम देखा था जो कि अल्काइन में था, ठीक है ना, लास्ट में YNE, ठीक है। अब आज का अपना जो टॉपिक है वो है बेटा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन, ठीक है। इसके पहले कॉमन नेम देखा, अब IUPAC। ये बहुत ही इजी टॉपिक है क्योंकि इसके पहले जो आपने ENE डबल बॉन्ड देखा, अब यहाँ पे सेम टू सेम है, बस उसके जगह पे थोड़ा सा सफिक्स आपको क्या करना है, चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे अपन देखेंगे, अगर रूल अपना देखेंगे तो ये ANE रिप्लेस होके क्या लगेगा बेटा, YNE लगेगा, ठीक है। अब ये YNE वर्ड जैसे ही आया तो आपको कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड दिखेगा, ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल। अब ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है इसको बोलते बेटा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता है अच्छे से, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जो शेयरिंग ऑफ बॉन्ड से जो बॉन्ड बनते हैं, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उसको अपन कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इसमें ये कंपाउंड में अगर अल्काइन में अगर देखेंगे तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स है, ट्रिपल मतलब 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें ये जो ट्रिपल है, ट्रिपल का मतलब होता है बेटा 3, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड में इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और 1 जो है वो एक सिग्मा बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, वो जब अपन हाइब्रिडाइजेशंस वगैरह पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये सिग्मा बॉन्ड होता क्या है, पाई बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। तो कुछ है नहीं, उसकी पोजीशंस आपको देखनी होती है, एक्सियल है, टर्मिनल पोजीशन है, वो क्या है, ओवरलैपिंग केस में आपको क्लियर हो जाएगा। तो पॉइंट समझ में आया कि अल्काइन जो है इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, साथ में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और उनमें भी 2 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, वो अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है बेटा IUPAC नोमेनक्लेचर। तो जिस प्रकार अपन ने कॉमन नेम देखा था अल्काइन का, वहां पे अपन ने एक वर्ड यूज किया था बेटा एसिटिलीन, ठीक है। अब ये जो IUPAC है इसमें थोड़ा सा अलग है, जो कि इसके पहले आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे अपने 4 रूल्स पढ़े थे, उसमें क्या पढ़ा था, सिलेक्ट द कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, जिसके अंदर में इंक्लूडेशन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ऐसी चेन आपको सिलेक्ट करनी है कि जो उसके अंदर में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। साथ में दूसरा रूल अपन ने पढ़ा था, नंबरिंग करना है, नंबरिंग करना है आपको कि जो साइड से वो बॉन्ड आपको क्या गिरे, नियरर गिरे, ठीक है। बाद में सब्स्टिट्यूएंट्स देखना है, उसकी पोजीशन देखना है और आपको सबसे आखिर में पेरेंट्स नेम देखना है, ठीक है। ये रूल्स मैंने आपको इसके पहले लिख के दी थी, चलो एग्जांपल थ्रू अपन देखते हैं। एग्जांपल पहला पढ़ते बेटा, सिंपल सा है, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, पहला एग्जांपल है, क्योंकि जो अल्काइन है YNE है इसमें मिनिमम 2 कार्बन चाहिए बॉन्ड शोविंग के लिए, ठीक है ना। तो पहला एग्जांपल अपन ने ले लिया ये, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और हर कार्बन की जो वैलेंसीज होती है मतलब बॉन्ड कैपेसिटी होती है वो 4 बॉन्ड्स की होती है, 3 और एक 4, ठीक है। तो ये अब इसका नाम कैसे होगा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, मतलब बेटा अपन 2 कार्बन वाली चेन सिलेक्ट करेंगे, चलो नजदीक कहां से गिरेगा, जो साइड से जाओ वहां से नजदीक गिरेगा। अब इसमें देखो सब्स्टिट्यूएंट कोई प्रेजेंट है, कोई प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट यहां पे आपको उसका नाम लिखना है, तो पैरेंट कार्बन कितने हैं, देखो कितने पैरेंट कार्बन है, 1 और 2, मतलब 2 पैरेंट है, मतलब 2 पैरेंट वाला कौन सा है बेटा, इथ, रूट वर्ड क्या आएगा उसका, इथेन है ना। अब ANE नहीं लगाएंगे क्योंकि ANE को रिप्लेस करके आपको क्या ऐड करना है, YNE। तो ये क्या बन जाएगा आपका, इथाइन, क्या बन जाएगा, इथाइन, ETH YNE, इजी बिल्कुल। चलो सिंपल सा एग्जांपल पहला हो गया, दूसरा देखते हैं, देखो क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब ये बन जाएगा आपका CH3, क्योंकि कार्बन के पास में हर कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, 1 यहाँ पे है तो ये 3 इधर, CH3 CH और दोनों के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो एक नोट मैंने आपको फिर से बताई थी, 3 या 3 से ज़्यादा, 3 और मोर देन 3 कार्बन अगर आपके चेन में प्रेजेंट होते हैं तो अपन क्या करते हैं बेटा, पोजिशन ऑफ बॉन्ड मैंशन करते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, देखो 1 2 3 वाला कौन है, यस प्रोप, है ना, प्रोपेन होता है ना, तो प्रोप, पोजीशन ऑफ बॉन्ड मेंशन किया आपने तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, 3 इसमें। तो अपन कर लेते हैं, कौन साइड से नंबरिंग करेंगे, जहां से बॉन्ड नजदीक करके, ये साइड से जाओ तो 2 3 में आएगा, ये साइड जाओ तो 1 2 में आएगा, तो अपन 1 2 3 ये साइड से उसका क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 और 3, तो ये हो गया प्रोपेन, प्रोप और पोजिशन में कौन सा अपन कार्बन लेते हैं जिसका नंबर लेस हो, तो ये हो जाएगा प्रोप
वन, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका वाई एन ई, मतलब क्या बनेगा प्रोप वन वाई एन ई, समझ में आया। चलो दूसरा एग्जाम्पल हो गया अपना, चलो तीसरा देखते सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच टू सी एच थ्री, चेक करो। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन्स हैं, ठीक है, कितने कार्बन है 5 कार्बन। चलो चेक करते कहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 पे आ रहा है मतलब ये 2 और 3 पे आ रहा है, यहाँ से ये तो 1 2 3 4 पे आ रहा है मतलब 3 और 4 2 3, कौन सा नज़र दिखेगा, यस ये साइड वाला, ठीक है। तो क्या हो गया देखो 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कार्बन 5, कितने हैं 5 है, तो अपन क्या करेंगे बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करेंगे 2 और 3, 5 वाला कौन सा बेटा आपका यस पेंट, फिर हाइफेन यूज करते डैश, फिर पोजीशन 2 और 3 में लेस नंबर कौन सा यस 2, और फिर क्या आएगा वाई एन ई, मतलब पेंट 2 वाई एन ई, ठीक है। अब फोर्थ एग्जांपल देखो, इसमें क्या होगा सी एच थ्री सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी सी एच सी एच थ्री और ये सी एच थ्री, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कंटिन्यूस कार्बन एटम, ऐसी चेन सेलेक्ट करो जिसके अंदर में बॉन्ड भी मेंशन होना चाहिए, तो अपन ने ये कर दी बेटा सिलेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, अगर देखो यहाँ साइड से जाओ 1 2 3 3 पे आ रहा है 3 4 पे आ रहा है 1 2 3 दोनों साइड पे सेम अगर बॉन्ड आता है आपके चेन में, जब दोनों साइड से नंबरिंग करते समय बॉन्ड सेम कार्बन पे प्रेजेंट आ रहा है, तब क्या करेंगे, तब आप उस समय में सब्स्टिट्यूएंट चेक करना कि सब्स्टिट्यूएंट कौन से साइड में नज़दीक गिरता है। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना, दोनों साइड में सेम बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो आपको सेम नंबर ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो आपको करना क्या है, सब्स्टिट्यूएंट को देखना है कि नज़दीक कहाँ से गिरता है। सब्स्टिट्यूएंट देखो ये साइड से नज़दीक गिर रहा है तो ये साइड से अपन नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, पॉइंट समझ में आया, ठीक है। अब चेन में 6 कार्बन है, 6 कार्बन वाला आपका हेक्सेन होता है, लेकिन यहाँ पे तो वाई ए नहीं है, ये नहीं निकल के वाई ए नहीं डालना है, तो सबसे पहले अपन बेटा सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा आपका मिथाइल ग्रुप है, कौन से नंबर के पोजिशन पे 2 नंबर के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बाद में मिथाइल एम कैपिटल, ठीक है 2 मिथाइल हो गया। उसके बाद में आपका कौन सा है, और कोई है क्या, कोई नहीं है भाई, बाद में आपको पेरेंट्स देखना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6 वाला कौन है बेटा हेक्सेन एच ई एक्स ए एन ई निकाल के फिर से अपन डैश पोजीशन ऑफ बॉन्ड मेंशन करो 3 और 4 के बीच में, नियर कौन सा है 3 मतलब लेस, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका वाई एन ई, तो नाम क्या बना 2 मिथाइल हेक्स 3 वाई एन ई, पॉइंट समझ में आया। अगर सेम सब्सटिट्यूएंट है तो इस प्रकार से अपन नाम लिखेंगे, अगर डिफरेंट सब्सटिट्यूएंट है तो बेटा नाम क्या लिखेंगे, तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल में आपका ये जो है ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अपन यहाँ पे अब एक C2H5 अगर ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक फिर से CH3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर एग्जांपल आता है, अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन नंबरिंग दोनों साइड से भी कर सकते, यहाँ साइड से भी, ये साइड से भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ये साइड से भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है ना। नंबरिंग अपन एक तो ये साइड से भी करेंगे और ये साइड से भी कर सकते, क्यों, क्योंकि देखो जो बॉन्ड्स है आपका ट्रिपल बॉन्ड जो है सेम पोजिशन पर, ये साइड से भी, ये साइड से भी, और सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो अपन क्या करेंगे, अब कोई सा भी साइड करो, अपन ये साइड चलते हैं 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे है, अब 2 पे इथाइल ग्रुप है और 5 पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। 2 पे क्या बेटा इथाइल और 5 पे क्या है मिथाइल ग्रुप है, तो अपन करेंगे क्या, तो आपको पता है सिंपल सी बात है, क्योंकि अल्कीन में डबल बॉन्ड में आपने पढ़ चुका है, जब भी ऐसा होता है तो अपन अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, यस इथाइल, कौन सा है 2 नंबर पे, तो ये बन जाएगा 2 इथाइल, क्या बनेगा 2 इथाइल, फिर से डैश कौन से नंबर पे 5, फिर से डैश मिथाइल, बाद में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं टोटल 6, ये हो जाएगा आपका हेक्स कौन से नंबर पे 3 और 4 में, लेस कौन सा 3 और वाई एन ई, समझ में ये बात। तो इस प्रकार से आपके बेटा क्या रहेंगे एग्जांपल्स रहेगी, जो कि बहुत इजी, ई ए नहीं समझाना मतलब डबल बॉन्ड समझा, अल्कीन समझो तो अल्काइन इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका सिंपल पैटर्न, अब यहाँ पे कभी कभार क्या होता है एक ही स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड 2 times or 3 times अगर अवेलेबल होता है, ठीक है, तो कैसे अपन देखते हैं।
चलो अब ये तो हो गया बेटा अपने सिंपल एग्जांपल जिसमें बॉन्ड वन टाइम्स प्रेजेंट होता है। अब इसके पहले जब मैंने आपको अल्कीन पढ़ाया था तो वहाँ पे अगर सेम बॉन्ड जैसे डबल बॉन्ड टू टाइम्स आता है तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था वहाँ पे यूज़ क्या करना वर्ड याद है आपको, अगर टू टाइम्स आता है तो आपको मैंने बताया था कि वहाँ पे वर्ड यूज़ करना बेटा अल्काडाइन। अब यहाँ पे ई एन ई है क्या, नहीं, अपन क्या यूज़ कर रहे हैं वाई एन ई, तो ये क्या बन जाएगा आपका Y N E अलका डाय और Y N E बराबर। अगर थ्री टाइम्स आता है तो अपन क्या यूज करेंगे सेम टू सेम अलका दो के जगह अपन क्या यूज करेंगे ट्राई Y N E आइन बोलते उसको ठीक है ना आइन Y N E और ये डाय का समझ में ये बात। चलो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। चलो एग्जांपल देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अभी तक के 5 एग्जांपल में अपन ने क्या देखा ओनली वन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखो आपको क्या दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड ये दो बार अवेलेबल है ठीक है ना। इसके बाद जो टॉपिक अपन देखेंगे अभी दो बार है फिर थ्री टाइम्स है इसके बाद में जो मैं एग्जांपल पढ़ाऊंगा आपको वो कंपाउंड में बेटा डबल और ट्रिपल एट अ टाइम सेम कंपाउंड में प्रेजेंट रहते हैं ठीक है ना वो भी देखेंगे उसमें क्या होता है। चलो देखते हैं CH3 अब यहाँ पे वही अपने रूल लगाएंगे कि जो साइड से बॉन्ड क्या गिरे आपको नजदीक गिरे तो चलो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 ये 2 और 3 पे आ रहा यहाँ पे इनिशियल भी आ रहा तो ये साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब अपन क्या करते हैं बेटा जब भी दो बार यूज होता है तो वर्ड क्या यूज करते हैं अपन अलका ठीक है। अब अलका के जगह पे पैरेंट कितना बेटा 6 तो ये क्या हो जाएगा आपका यस हेक्सा क्या हो जाएगा हेक्सेन है ना 6 नंबर वाला कार्बन तो ये क्या बनेगा आपका हेक्सा। बाद में हाइफेन डैश यूज करते उसके बाद में पोजीशन मेंशन करते हैं वो बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड दो बार अवेलेबल है पहला बॉन्ड किस में है 1 और 2 में तो यहाँ पे पहली पोजीशन आएगी 1 और 2 में लेस नंबर कौन सा 1 बाद में दूसरा कहाँ पे 4 और 5 में वहाँ पे कौन है 4। अब फिर से वही कि टू लेटर्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉमा ठीक है फिर से डैश दो बार आया करके अपन क्या यूज करेंगे बेटा डाई और कौन लगाएंगे उसको YNE इजी बिल्कुल। देखो अलका 1 4 मतलब यहाँ पे अलका की जगह कौन सा वर्ड यूज किया हेक्सा 1 4 डाइन DIYNE got the point तो ये हो गया इसका सिंपल ले। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो फट्टे से यहाँ पे भी सेम टू सेम है ये साइड से जाओ तो नजदीक गिरता है वहां से वो साइड से आओ तो थोड़ा दूर गिर रहा है तो ये साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 सेम टू सेम है 6 वाला कौन सा अपना वही कौन होगा हेक्सा। पोजीशन ऑफ बॉन्ड मेंशन करो 1 और किसमें बेटा 1 और 2 में तो पहला नंबर आएगा 1 फिर से कॉमा यूज करेंगे 3 और 4 में पहला फिर कौन 3 यहाँ पे पोजीशन 1 4 पे आया था यहाँ पे 1 3 पे आया फिर से वही डाय और YNE इजी बिल्कुल। चलो अब ये दोनों 6 और 7 एग्जांपल पे मैंने आपको क्या बताया कि स्ट्रक्चर में अगर दो बार ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो अपन क्या यूज करेंगे अगर 3 टाइम्स अगर आता है और 2 टाइम्स आता है तो हल्का डाइन और 3 टाइम्स आता है तो डाई की जगह सिंपल क्या करेंगे ट्राई। देखो यहाँ पे अब ये ट्राई वाला देखो कितनी बार प्रेजेंट है 1 2 और 3 टाइम्स प्रेजेंट है। अब 3 टाइम प्रेजेंट है तो वही काम है अपना क्या यूज करेंगे ट्राइन यूज करेंगे ना बेटा तो यहाँ पे क्या करेंगे नंबरिंग ये साइड से करो तो सेम ये साइड से भी करो तो सेम अपन सीधे सीधे ही चलते हैं 3 4 5 6 ठीक है फिर से 6 कार्बन ही है मतलब कौन सा वर्ड होगा बेटा आपका यस हेक्सा फिर डैश हाइफन कौन सा है फर्स्ट बॉन्ड कौन सी 2 नंबर के कार्बन के बीच में प्रेजेंट है 1 2 1 2 में लेस कौन सा यस 1 फिर क्या करेंगे कॉमा दूसरा बॉन्ड देखो जो ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में प्रेजेंट है 3 और 4 3 और 4 में लेस कौन सा 3 फिर चलो आगे 5 और 6 5 और 6 में लेस कौन सा यस 5 फिर से डैश कितनी बार आया 1 2 3 3 टाइम्स आया तो क्या वर्ड यूज करेंगे यस ट्राई 3 टाइम्स आया तो क्या वर्ड यूज करेंगे ट्राई और कौन है YNE समझ में आया तो क्या नाम बना इसका हेक्सा 1 3 5 ट्राइन बट इट। और लास्ट एग्जांपल देखो इस पैटर्न के सेम एग्जांपल आएंगे आपको करना पड़ेगा ठीक है बहुत ईजी है ज्यादा उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो लास्ट देखो लास्ट एग्जांपल थोड़ा अलग पैटर्न है यहाँ पे
बॉन्ड तो है लेकिन साथ में सब्स्टिट्यूएंट भी बेटा प्रेजेंट है। अब कहाँ से नंबरिंग करेंगे, जो साइड से बॉन्ड नजदीक गिरता है। अब ये साइड जाओ तो यह थर्ड फोर्थ पे आ रहा है, ये साइड जाओ तो फर्स्ट सेकंड पे आ रहा है। अगर दोनों साइड में सेम सेम आते तो अपन क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी चेक करते कि कहाँ से वो नजदीक गिरता है। तो ये साइड से आपको सीधा क्लियर ही दिख रहा है कि भैया ये साइड से आपको नजदीक गिरेगा, तो नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब 7 नंबर के कार्बन है तो 7 नंबर का कार्बन जो है बेटा वो रहेगा आपका पैरेंट कौन रहेगा 7 नंबर का, वो रहेगा आपका हेप्टेन, बराबर है। लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, कभी कभार मैंने ये मिक्स एग्जांपल इसके लिए लिया ताकि आपको दोनों एग्जांपल एट ए टाइम समझ में आए। कभी कभार सब्स्टिट्यूएंट के एग्जांपल में आपको CH3 रहेगा, कभी कभार सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे C2H5 रहेगा, मतलब मिथाइल रहेगा कभी कभार, कभी कभार इथाइल रहेगा, और कभी कभार ये दोनों रहेंगे, तो करके मैंने दोनों वाला एक एग्जांपल साथ में लिए। तो अपन प्रायोरिटी किसे देंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर का फर्स्ट जो रहेगा, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, मिथाइल की इथाइल, तो अल्फाबेटिकली बेटा पहले इथाइल आता है। कौन से नंबर के कार्बन को है, यस 3, तो नाम क्या बना 3, पहला लेटर कैपिटल लिखना 3 इथाइल, समझ में आई बात, 3 इथाइल। बाद में फिर से कौन सा है 3 पे मिथाइल, डैश देके फिर से 3 डैश मिथाइल। ये ऑर्डर हमेशा फॉलो करना, नंबर और लेटर, नंबर और लेटर के बीच में हाइफ़न, और दोनों अगर नंबर है, दोनों नंबर है तो वहाँ पे बाय यूजिंग कॉमा, दोनों नंबर को सेपरेट करना है बाय यूजिंग कॉमा, नंबर और लेटर को सेपरेट करना है बाय यूजिंग हाइफ़न मतलब डैश, तो 3 डैश इथाइल डैश 3 डैश मिथाइल हो गया। देखो 3 पे भी इथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, पहले क्यों, अल्फाबेटिकली ई पहले आता है एम बाद में आता है। ठीक है, अब देखो फिर वर्ड क्या है बेटा, 1, 2 टाइम्स ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये कौन सा होगा आपका पैरेंट कौन हो जाएगा, ये 7 है तो ये बन जाएगा बेटा आपका हेप्टा, बराबर है, कौन बना हेप्टा, क्यों 7 कार्बन है इसके कारण हेप्टा, फिर डैश। ठीक है, पोजीशन मेंशन करो बॉन्ड की, पहला बॉन्ड कौन सी दो कार्बन के बीच में, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड में लेस कौन सा, यस फर्स्ट, फिर कॉमा, क्यों, क्योंकि दोनों नंबर्स को आपको कॉमा से सेपरेट दिखाना होता है, 4 और 5 में कौन लेस है, यस 4, और फिर से डैश, और फिर आएगा बेटा आपका YNE, देखो कितना बड़ा नाम बन गया, क्या बना 3 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टा 1 4 YNE, इस प्रकार से क्या रहेंगे बेटा आपके नाम रहेंगे। ये थे आपके बेटा अल्काइन, ठीक है, अल्काइन के एग्जांपल्स, ठीक है, और आपको ये पता है जो अल्काइन है ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, जैसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में 3 टाइप्स आते हैं, जैसे अल्केन आता है, अल्कीन आता है, और अल्काइन आता है, मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इन तीनों कार्बन्स के, मतलब तीनों एलिफैटिक कंपाउंड्स के अपन ने IUPAC नेम पढ़े, कॉमन नेम पढ़े। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियोज में अपन क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड आते हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये जो मिक्सिंग पैटर्न में आते हैं। ठीक है, इसके बाद में बेटा एक लाइन स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक, जिसको बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला बोलते हैं, वो पैटर्न भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो एक अपन लास्ट वीडियोस पढ़ेंगे, मतलब ये जो नॉमेनक्लेचर का वीडियोस होगा बेटा, वो लास्ट वीडियो होगा, वो वीडियोस में आपका ये पूरा नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो नॉमेनक्लेचर कभी फिनिश होता ही नहीं है, ठीक है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है अगर उसको अपन पढ़ने जाए तो। ठीक है, एलिफैटिक अलग है, एरोमेटिक अलग है, तो वो सब अपन थोड़ा 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 करके पढ़ेंगे, और ये लास्ट वीडियोस में बेटा अपना ये जो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद में अपन अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए अपन यही रुकते हैं, थैंक यू।